तो भाई साहब फाइनली भोला अब थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। एंड अगर तुम सबको नहीं पता तो ये साउथ की कैथी मूवी का रीमेक है और इवेंचुअली साउथ में उसका एक यूनिवर्स भी बन चुका है लोकेश सिनेमेटिक यूनिवर्स नाम का। और अगर अभी तक तुमने वो कैथी मूवी नहीं देखी है तो तुम बिंदास होकर भोला को एंजॉय करोगे, भोला तुम्हें मजा दे देगी क्योंकि पिक्चर में दम तो है। देखो तो फिलहाल आज अपन इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं भोला मूवी का और जानेंगे कि क्या तुम्हें अपने पैसे लगाने चाहिए इस मूवी के टिकट्स में या नहीं। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इस मूवी की छोटी मोटी समरी से। तो बेसिकली भोला एक कैदी रहता है जिसको 10 साल के बाद जेल से छोड़ा जाता है और उसके जेल से बाहर आते ही कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं कि उसे एक पुलिस वाले की मदद करनी पड़ती है, यानी कि तबू के कैरेक्टर की। अब एक्चुअली में उसे एक ट्रक को लेके जाना है एक पुलिस स्टेशन तक और उसके बीच में डिफरेंट गैंग्स के मेंबर उस पर अटैक करते हैं और उन सबको सर्वाइव करके उसे पुलिस स्टेशन तक ट्रक पहुंचाना है जिसके बाद वो अपनी बेटी से मिल पाएगा। अब क्या होगा मूवी के अंदर, क्या वो अपनी बेटी से मिल पाएगा या नहीं, क्या वो गैंग मेंबर्स भोला को रोक देंगे या फिर भोला उनको निपटा देगा, ये सब आपको मूवी देखने के बाद पता चलेगा। लेकिन यकीन मानो मूवी बहुत शानदार है क्योंकि मूवी की स्टोरी बेसिकली एक रात के अंदर टेक प्लेस करती है। थोड़ी बहुत इवेंट्स हैं जो कि बाहर के भी दिखाए जाते हैं लेकिन मेजॉरिटी 80-85% जो मूवी है वो एक ही रात के अंदर टेक प्लेस करती है। और उस रात में तुम्हें क्या कुछ देखने को मिलेगा, जबरदस्त एक्शन सीक्वेंसेस, लाउड बैकग्राउंड म्यूजिक और थांसू एंट्रीज। स्टोरी के अलावा अगर बात करें हम लोग एक्टिंग की तो भाई हर एक कैरेक्टर ने जान फूंक दी है एक्टिंग में। अजय देवगन की बात करें या फिर तबू के कैरेक्टर की बात करें, एंड सबसे बड़ी हाईलाइट है इस मूवी के विलन्स। जितने भी इस मूवी के अंदर विलन के रोल में कैरेक्टर दिखे हैं दे लिटरली नेल्ड देयर एक्टिंग। मतलब मूवी के अंदर बहुत सारे विलेनियस कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि मेन विलन के साथ रहते हैं या कहीं ना कहीं उनके लेवल के रहते हैं और सब ने जबरदस्त एक्टिंग करी है। अब इसके अलावा मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगा, वो है इस मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि अपने KGF के कंपोजर रवि बसरूर ने दिया है और वो म्यूजिक बहुत ही तगड़ा है क्योंकि मूवी का जो मेजॉरिटी पार्ट है वो एक्शन सीक्वेंसेस में गुजर जाता है और उसके बैकग्राउंड में चल रहा होता है ये बैकग्राउंड म्यूजिक। अब मुझे पर्सनली मूवी के अंदर दो जगह की बैकग्राउंड म्यूजिक काफी शानदार लगी, जब वो त्रिशूल वाला एक्शन सीक्वेंस होता है और मूवी के एंडिंग में जो दूसरा बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता है, दोनों ही काफी शानदार है। वहीं अगर मैं बात करूं कि क्या तुम्हें इस मूवी को देखने जाना चाहिए या नहीं, तो मेरे ख्याल से हाँ जाना चाहिए क्योंकि ये मूवी एक बड़े सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट बनने वाली है एंड अपन साउथ की यूनिवर्स के अंदर देख चुके हैं कि उस यूनिवर्स का पोटेंशियल क्या है। तो होपफुली भाई अजय देवगन भैया भी वो साउथ की यूनिवर्स का रीमेक करेंगे। जैसा उन्होंने इंटरव्यू में भी कहा था कि वो सलमान खान जैसे एक्टर्स को भी अपने यूनिवर्स के अंदर ला सकते हैं अगर ये मूवी हिट हो गई तो। मेरी मानो तो तुम ये मूवी बिंदास जाके देख लो क्योंकि ये मूवी तुम्हें एंटरटेन करने वाली है। इस मूवी के अंदर एक्शन सीक्वेंसेस काफी शानदार है और बैकग्राउंड म्यूजिक जिसकी मैंने अभी बात करी वो भी बहुत सही है। और अगर तुमने कैथी मूवी नहीं देखी है तो आंख मूंद के इस मूवी को देखने चले जाओ क्योंकि मूवी तुम्हारा टाइम पास कर देगी और तुम्हारे टिकट के पैसे वसूल कर ही देगी। और अगर तुमने बाय चांस वो मूवी देख रखी है तो फिर भी मूवी के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस है जो कि तुमने उस मूवी में नहीं देखा है। अब ट्रेलर के अंदर एक त्रिशूल वाली एक्शन सीक्वेंस दिखाई जाती है जो कि इस पूरे मूवी की सबसे बड़ी हाईलाइट है क्योंकि उसके अंदर का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो अलग साइन करता है एंड वो एक्शन सीक्वेंस एकदम नेक्स्ट लेवल पे कोरियोग्राफ की गई है। मजा आ जाता है देख के, कैमरा वर्क और इवन जिस तरह से अजय देवगन कैरेक्टर वहां पे फाइट करता है वो सब लाजवाब है। एंड ये पूरी एक्शन सीक्वेंसेस एकदम नई है, ऐसा कोई एक्शन सीक्वेंस तुम्हें कैथी मूवी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो अगर तुमने वो कैथी मूवी देख रखी है फिर भी तुम ये मूवी जाके देख सकते हो क्योंकि तुम्हें एक अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। इसके अलावा कैथी मूवी में बहुत सारी बैकग्राउंड स्टोरी छोड़ दी गई थी ऑडियंस के ऊपर कि तुम लोग खुद डिसाइड कर लो कि बैकग्राउंड में यानी कि इसके पास्ट में क्या हुआ रहा होगा। लेकिन इस मूवी के अंदर हमें एक गाने के थ्रू अजय देवगन की यानी कि भोला के कैरेक्टर की पास्ट लाइफ दिखा दी जाती है और हाँ ज्यादा टाइम नहीं लेती, 3-4 मिनट का गाना है उसके अंदर सब कुछ दिखा दिया जाता है। एंड इसके अलावा इस मूवी के अंदर एक पोस्ट क्रेडिट सीन भी है तो तुम लोग वो मिस मत करना। बाकी अगर तुम्हें रिव्यू पसंद आया तो तुम वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अविनाश और मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।